सावन में ये फूल जिसके भी पास होगा वो मालामाल हो जाएगा। सावन के महीने में अगर ये फूल आपको मिल जाता है या फिर आपके घर में इस फूल का पौधा होता है तो आप खुद को कुबेर महाराज से कम मत समझिएगा, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सावन के महीने में अगर इस पौधे का फूल आपके पास हुआ तो आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फूल महादेव को अत्यंत प्रिय है। साथ ही इस फूल को गणेश जी भी बहुत पसंद करते हैं और जिस घर में गणेश जी का वास होता है ऐसे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ माता लक्ष्मी का भी प्रवेश होता ही है। और महादेव को प्रसन्न करने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा है ये चमत्कारी फूल तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में हर कोई महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई जतन करने में लगा हुआ है। ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी हर रोज अपने भक्तों को महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई उपाय बताते ही रहते हैं। और अभी अपनी पिछली कथा के दौरान गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है कि महादेव को कुछ विशेष फूल बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और इनमें से एक फूल है कनेर का। कनेर का फूल आपको अपने घर के आसपास कई जगह पर लगा हुआ आसानी से मिल जाएगा और कनेर के कई रंग होते हैं। ये आपको पीले, सफेद, नारंगी रंग में आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास भी पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हुआ है या फिर आपके घर में पीले रंग के कनेर का फूल लगा हुआ है तो आप खुद को कुबेर महाराज से कम मत समझिएगा। हमारे गुरु जी का कहना है कि आप सभी जानते हैं कि अधिक मास खत्म होने ही वाला है। अभी अधिक मास की पूर्णिमा की तिथि आने को है। ऐसे में गुरु जी का कहना है कि जो लोग कनेर के फूलों की माला बनाकर गणेश जी को पहना देते हैं ऐसे लोगों के घर में गणेश जी सहज ही प्रवेश कर जाते हैं और जब गणेश जी कहीं पर भी जाते हैं तो साथ में उनकी अर्धांगिनी रिद्धि और सिद्धि भी जाती है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी का नाम भी लिया जाता है, तो जहां पर गणेश जी होंगे वहां पर सुख संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके पास महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई और उपाय नहीं है, कोई और सामग्री नहीं है, तो केवल एक कनेर का फूल आपको चमत्कारी परिणाम दे सकता है। गुरु जी का कहना है कि जो भी लोग महादेव के शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में कनेर का फूल अर्पित कर देते हैं उन्हें महादेव पर 1000 रुद्राक्ष अर्पित करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में कनेर के पुष्प से स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया की जाती थी, तो पौराणिक काल से ही कनेर का फूल महादेव के साथ सभी देवी देवताओं का अति प्रिय पुष्प माना जाता है और आपको सावन के महीने में यह आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा। तो आपको मालामाल बनने के लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को आप कनेर के पुष्प लाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी तिजोरी को नोटों की गड्डियों से भर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी का बताया हुआ ये उपाय आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।